जैसे कि आपको आवाज सुना दूं, देखिए ये देखिए आवाज, देखिए मैं आपको सुना रहा था कैसी खड़खड़ आवाज आ रही थी इसमें कैलिपर में। अब देखिए आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ पे थोड़ा अंकुर कार टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लाए हैं अपनी इंडिगो सीएस पे। तो भाई दिक्कत ये हो रही है, जिसका कैलिपर है ना राइट साइड लेफ्ट साइड वाला, तो वो आवाज कर रहा है, मतलब कैलिपर पिन आवाज कर रही है। तो अभी अपन ने पिछली बार सर्विसिंग कराई थी तो नई कैलिपर पिन डाली थी, तो वो कैलिपर पिन उस तरफ राइट साइड में तो नहीं आ रही आवाज, लेकिन लेफ्ट साइड में आ रही है। वो जी अपनी पुरानी कैलिपर पिन है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें अपन ने लेथ मशीन में कट लगवा के ओरिंग लगवा दी थी, तो उसकी ओरिंग कट गई है। ओरिंग मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। अभी इसकी जो नई वाली कैलिपर पिन है वो निकालेंगे और इसी को लगाएंगे नई ओरिंग के साथ, ठीक है, समझ गए। बट सबसे पहले अपने को जेक लगा के गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद व्हील कैप निकाल के टायर निकालेंगे और कैलिपर खोलेंगे। तो भाई अकेला हूँ, वीडियो में आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो फटाफट ये खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। भाई हमने टायर तो खोल लिया है, अब हमारा ये टूल किट काम आएगी हमारे, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये मैंने DIY करने के लिए ली थी, भाई जिसको शौक है वो भी ले सकता है, तो लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये सब अपनों को कैलिपर खोलने में काम आएगा। उसमें एक ये लगेगा रैचेट, वो 12 का सॉकेट लगेगा, ये तो खोलते हैं। जिस भाई को चाहिए वो लिंक देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि आपको आवाज सुना दूं, देखिए ये देखिए आवाज, देखिए यही आवाज कर रहा है, ये कैलिपर पिन हिल रही ना, जो यही आवाज है। तो अब इसकी जो पहले अपन ने नई कैलिपर पिन डाली थी उन्हें वापस निकाल के और फिर नई जो पुरानी वाली है उनकी ओरिंग चेंज करके अपन ये वाली पिन लगा देंगे, तो हो सकता है काम बन जाए, शायद काम बन ही जाएगा। देखिए गाइस कितना प्ले आ गया, भाई इसमें लगाएंगे ये वाली पुरानी कैलिपर पिन, लेकिन इसकी जो ओरिंग कट गई है ओरिंग नई लगाएंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा जो प्ले खत्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ये रखी है जो है रबड़ ओरिंग टाइप की, ये मैं लेथ मशीन से लाया था, इन्हें 100 रुपए की मेरे को 10-15 दी थी, तो ये रखी है भाई रबड़। वो पुरानी वाली ये देखिए कैसी हो गई, कट गई है, और ये अपनी पुरानी कैलिपर पिन, इसमें नई वाली रबड़ लगा के जो आजकल की गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि मेरे पास होंडा मैड है तो उसमें कंपनी से ही ये रबड़ लगी हुई आती है, एक पिन नॉर्मल आती है, एक पिन में रबड़ आती है। हो सके किसी दिन उसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं, जब भी कैलिपर उसको साफ करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा आपको। तो अभी देख लेते हैं इससे इसकी खड़खड़ाहट बंद होती है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो नई वाली मैंने रबड़ इसमें जो ओरिंग है वो लगा दी है, वो देखिए कितना थोड़ा सा गैप आ गया इसका मोटापन का। जब भी ये कटेगी तो आप ये जैसे कि आपकी कैलिपर खराब हो गया हो, खड़बड़ मतलब ये पिन खराब हो गई हो, तो उसमें लेथ मशीन पे जाके 3 कट लगवा लो और इस टाइप की मेरी वीडियो दिखा दो उन्हें कि भैया इस टाइप की ओरिंग लगा दो उसमें। तो या तो डीजल फिल्टर के साथ भी एक ओरिंग आती है, लेकिन उसका साइज मेरे को मालूम नहीं है, इससे बड़ा रहता है या इसी साइज का रहता है। डीजल फिल्टर के साथ जो आती है ओरिंग छोटी वाली 2 आती है। तो अब इसमें मैं ग्रीस लगा दूंगा, मैं ग्रीस आपको दिखा दूं कौन सा लाया हूं। भाई ग्रीस देख लीजिए TVS का, मेरे को ये 15 रुपए का दिया है। अब ये कैलिपर पिन पे ये ओरिजिनल यही ग्रीस लगाना, क्योंकि आप नॉर्मल ग्रीस लगाओगे तो वो गर्म होके मेल्ट होके बह जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। ये वाला वो रहता है सिलिकॉन टाइप का ग्रीस है, आसानी से गर्म नहीं होता, मतलब कितनी भी गाड़ी गर्म हो जाए पिघलता नहीं है। आप कलर भी देख सकते हैं कुछ अजीब ही टाइप का है,
ट्रांसपेरेंट टाइप का, हल्का सा पिंक टाइप का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने नए ओरिंग लगा के, ग्रीस लगा के ये डाल दिए कैलिपर पिन, जरा भी प्रिले नहीं है। ठीक है, ये भी देख लो, जरा सा भी प्ले नहीं है। नीचे वाले में है थोड़ा हल्का सा, लेकिन ऊपर वाले में बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या ज़्यादा ये पुराना हो गया ना, तो ये इसको बोलते हैं कैलिपर कैरियर, ब्रैकेट भी बोलते हैं कैरी, ये चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है तो बाद में अपन इसे चेंज करें। कैलिपर फिट हो गया है, नई जो पुरानी वो कैलिपर पिन थी वो लगा दी। अभी पहले मैं आपको सुना रहा था कैसी खड़खड़ आवाज़ आ रही थी इसमें कैलिपर में, अब देखिए आवाज़ बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अभी यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह चल रही थी, इसलिए आवाज़ आ रही थी पहले, मतलब वो गाड़ी की भी आवाज़ आ रही थी कैलिपर की। अभी वो भी बंद है और ये कैलिपर बिल्कुल टाइट हो गया, बिल्कुल भी खड़खड़ाहट नहीं है भाई इसमें। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो अभी तो मैं चला के भी देखूंगा, उसके बाद एंड करूंगा, अभी तो इसे फिट कर देता हूँ। और वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना। गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, जो कैलिपर की आवाज़ आ रही थी कच्चे रास्तों पे, तो वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी अपनी इंडिगो सीएस पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें।